हेलो वेलकम एंड ऑल, मैं हुमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ बॉलीवुड गपशप में। आज मेरे साथ एक ऐसे कलाकार और एक ऐसे शख्सियत जिसने रोडीज में पूरा धमाल मचाया हुआ है, उसके बाद जो एल्बम्स लॉन्च करे जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो आप। यार अभिषेक, पहले तो आपका नागपुर में वेलकम है और मेरे ख्याल से लगातार आप नागपुर में शूट कर रहे हो, तो नागपुर अब आपका ही हो गया, मैं कह सकता हूँ। मेरे लिए सेकंड हो चुका है, क्योंकि नागपुर में मेरा हर एक डेढ़ महीने में एक राउंड तो लग ही जाता है। तो रोडीज की जब बात करते हैं, तो जितने भी यूथ है फिलहाल जो देख रहे हैं, रोडीज एक बहुत बड़ा सपना होता है लोगों के लिए, स्प्लिट्स एक बहुत बड़ा सपना होता है, तो आपकी जर्नी कैसी रही वहाँ पे? देखो मान, जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने सपने देखा होगा रोडीज में, जो रोडीज एक सपना सबका होता है, हर एक यूथ का सपना है, लोग इतनी लाइन में लगते हैं, ड्रीम होता है कि उनको रोडीज में जाना है। ऐसा एक ड्रीम मेरा भी था, ट्राई किया, करता रहा, फेलियर्स मिले, बट एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो सपना सच हो जाता है ना, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा था। किसी की जर्नी बहुत अच्छी होती है, किसी की जर्नी नहीं होती है, मैं बाकी की बात नहीं करूँगा। ये बताइए कि आपके फेवरेट जजेस कौन से हैं, कोई भी एक? रणवीर भाई, वैसे वो मेरे फिलहाल वो जज नहीं करते, हाँ एग्जैक्टली फिलहाल, बट अगर वो जज करते तो मैं उनका नाम लेता, बट अभी रफ्तार भाई। अच्छा, अगर आपको रफ्तार भाई की दो क्वालिटी बदलनी हो तो कौन सी बदलोगे? मैं सीधा उनको भेजने वाला हूँ ये वीडियो। रफ्तार भाई की अगर दो क्वालिटी मेरे को बदलनी हो, उसमें से एक है वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, ओके, मतलब साफ दिल के हैं तो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, और दूसरी क्वालिटी उनकी जो बदलनी हो कुछ खास नहीं है, बट वो अच्छे ही इतने यार, क्या क्या बदलोगे तुम? इस बंदे ने इस तरह प्यार से कहा है ना, रफ्तार भाई को भेज भी नहीं पाऊंगा, भेजूंगा तो इसका ही प्रॉफिट है भाई। अच्छा ये बताइए कि अगर नेहा धूपिया उस शो की जज नहीं होती तो कौन होती? कोई फीमेल लीडर को आपको चुनना हो तो कौन, किसे चुनते? ओके, मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस में? हाँ, किसी को भी। अगर प्रियंका चोपड़ा, मैं नीचे अभी टिकर लगाने वाला हूँ जहाँ लिखूंगा अभिषेक दुबे ने कहा कि नेहा धूपिया शो में नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा टिकर लगा के इसको बेचूंगा। और अगर प्रियंका चोपड़ा छोड़ दे, अगर कोई दूसरे जजेस लेना हो तो कौन? बॉलीवुड से? हाँ, दूसरे जज किसी को लेना हो तो हम तापसी पन्नू को ले सकते हैं। तापसी पन्नू, इन्होंने दो बार कहा है कि नेहा धूपिया जज नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा, बहुत सारे एल्बम लॉन्च हुए, एक तो गाना आपका बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुआ है जो आपने रोडीज में गाया था, हम सबका मन पसंद है यार, हम तो डेफिनेटली बहुत बार सुनते रहते हैं उसको, हम चाहते हैं एक बार वो गुनगुनाया जाए। ओके, वो तू जरूरी नहीं, एग्जैक्टली तो वो एक्चुअली मैंने ऑडिशन के टाइम पे लिखा था, तो वो ऑडिशन के टाइम पे मैंने वो गाया गाना, और वो कभी कम्प्लीट था ही नहीं बेसिकली, तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो मुझे कम्प्लीट करना पड़ा, क्योंकि मुझे जर्नी के बाद इतने मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि भाई ये गाना फुल दो, तो फिर वो लिखा मैंने और कंप्लीट किया, तो उसकी आपको दो लाइन सुना देता हूँ। जात जा रे जात तू जरूरी नहीं, बंदे थे तू मेरी मजबूरी नहीं, अरे जा रे जा तू जरूरी नहीं, बंदे थे तू मेरी मजबूरी नहीं, ख्वाहिशें की थी तेरी पूरी सभी, प्यार किया तो मैंने चोरी नहीं, तू जरूरी नहीं मजबूरी नहीं। मैं ये कह सकता हूँ, जितने लोग का ब्रेकअप होंगे ना, सबने भेजा होगा अपने अपनी गर्लफ्रेंड को ये सॉन्ग। इस सॉन्ग ने काफी ब्रेकअप करवा दिए। जब ये मैंने लॉन्च किया था, मैं इतना श्योर हूँ कि इस सॉन्ग ने काफी ब्रेकअप करवाए होंगे, और अगर ये टेलीकास्ट फिर से हो जाएगा तो मुझे लगता है नागपुर में वैलेंटाइन डे के भी काफी काम आ सकता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मिलिए अभिषेक दुबे से, ये आपको सलाह देंगे कि कैसे जीना है ब्रेकअप के बाद, कैसे ब्रेकअप किया जा सकता है और ब्रेकअप के बाद कैसे गाने लिखते हैं। अच्छा, अभी कोई गर्लफ्रेंड है फिलहाल, किसी को डेट कर रहे हो? अभी नहीं है, ये पूरी तरह सिंगल है, जो भी वैलेंटाइन डे के लिए इनको डेट बनाना चाहता है, इनको आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का अपनी आईडी बता दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है अभिषेक दुबे _ऑफिशियल। कितना डेस्परेट है भाई। इनको गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इनका इनकी बनना है गर्लफ्रेंड तो प्लीज यहाँ नीचे दिए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम इनके थ्रू आपको इनके पास पहुँचा देंगे। ये यहाँ गलत कर गया, यहाँ नीचे दिया हुआ नंबर मान ले कुत्ता दे दिया, ठीक है, तो आप इंस्टा पे कॉन्टेक्ट करें। अच्छा ये बताइए कि आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं? ओके, वेल अभी नागपुर में हमने एक वीडियो शूट किया अपना, जो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है माहिया, तो माहिया को हम इसी मंथ लॉन्च करेंगे। ओके, मैं अभी डेट फाइनल्स नहीं है, मतलब बट ये है कि
इसी महीने अगले 15-20 दिन जो बच गए इस महीने हम उस गाने को यहाँ पे लॉन्च करें। अगर बॉलीवुड में किसी को डेट करना हो तो किसे डेट करोगे? बॉलीवुड में डेट करना हो मुझे तो बॉलीवुड में एक्चुअली जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी वो है, थी क्या अभी भी है, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय जी, ओके, वो शादीशुदा है पता है ना। हाँ, अब तो मुझे डेट करना तो मैं जैकलीन को करूंगा। ओके, जैकलीन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, अभिषेक दुबे में डेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं डेस्टिनेट हो सकता हूँ। अच्छा, और माहिया का अगर हम कोई दो लाइन सुनना चाहे तो? ओके, पोएट्री वे में बता देता हूँ मैं आपको। तू सुपने मैं राता, तू सोवे मैं जागा, तू सुन दी मैं वाता करता, तू मेरा है जानी पर गल ना दिल दी मानी, मैं तावी तेरे पीछे। हाय, क्या बात है, मतलब मैं कह रहा हूँ अब बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं इंस्टाग्राम में, अब तो मतलब इंस्टाग्राम भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा इतने मैसेज पढ़ने वाले। तो ये कुछ लाइंस थी, मैंने गा के नहीं सुनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट बनी रहे, लॉन्चिंग के लिए हम बड़े लड़ रहे, तो वो 10-15 दिन हम कर देंगे। और कोई एमटीवी के शो जो आप करना चाहते हो या अभी करने वाले हो, या कोई टीवी शो? और आजकल तुमने देखा है कि ऑनलाइन जो वेब सीरीज आ रही है वो भी बहुत धमाल मचा रही है, तो कोई? हाँ देखो, मेरा वैसे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली ना नहीं कहूँगा, बट मेन मेरा फोकस रहेगा मेरे म्यूज़िक पे, और मेरा म्यूज़िक ही मैं करता रहूँगा, और उसके साथ साथ अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं करूँगा। और वेब सीरीज़ का बताऊँ तो मैं अभी जस्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं एक शूट करके आया हूँ मुंबई में, एक OTT प्लेटफॉर्म का शो है, जैसे आउट आएगा मैं स्टोरी डाल दूँगा आपको पता चल जाएगा। तो वो एक डेटिंग शो था बेसिकली, तो अभी कोई प्लान्स नहीं आ गए, बट अगर कुछ अच्छा चीज मिलता है तो ऑब्वियसली कौन मना करना चाहेगा। एग्जैक्टली पॉइंट है। तो जाते थे नागपुर के और ये विदर्भ के दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं नागपुर के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मुझे नागपुर मेरे लिए एक दूसरा घर बन चुका है, और लिटरली मेरे को नागपुर ने जितना प्यार दिया है अभी तक, क्योंकि ये मैं थर्ड टाइम नागपुर आ रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस हर बार बहुत अच्छा रहा है। और बेसिकली मेरे को यहाँ बुलाने वाले जो हैं वो ऑनलाइन मुझे मिले थे, एक मैसेज से मिले थे प्रतीक और उसकी टीम, ये ड्रीमलाइन प्रोडक्शन, बट अब उनका बॉन्ड ऐसा बन गया है कि अब घर वाली बात हो गई है, तो बहुत प्यार दे रहा है नागपुर और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और बस थोड़े दिन रुकिए और गाने को प्यार देना जैसे उठो। अभी फिलहाल प्रतीक के साथ, ड्रीमलाइन प्रोडक्शन के साथ हमारा और एक शो आने वाला है NBCN न्यूज़ पर, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके 13 एपिसोड बनने वाले हैं, ग्रैंड फिनाले होने वाला है, और 1,00,000 रुपए तक प्राइस जीतने का मौका है ड्रीमलाइन प्रोडक्शन की तरफ से, और जिसे NBCN प्रेजेंट कर रहा है, मैं प्रमोशन भी कर दिया हूं। और मेहमान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कोई नए चेहरे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और देखते रहिए NBCN न्यूज़, सच दिखाए बिना छुपाए।